नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलवंत सिंह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। विधानसभा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और बीजेपी तैयारियों में लगी है। अमित शाह हरियाणा के दौरे में आने वाले हैं और वहीं राहुल गांधी ने अब हरियाणा की कमान जो है संभाल ली है। कल हरियाणा के कई दिग्गज नेताओं को राहुल गांधी ने बुलवाया, वहाँ पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद थे और कई पार्टी के बड़े नेता मौजूद थे। चर्चा ये शुरू हुई कि पहले गुटबाजी खत्म की जाए, अगर गुटबाजी हुई इस बार तो राहुल गांधी कहते हैं कि उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और क्या क्या किन किन मामलों में चर्चा हुई उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील है कि अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे साथ Facebook पर हैं तो Facebook को जो Facebook पेज है उसको फॉलो करना ना भूलें। अब चर्चा ये करते हैं कि कल क्या हुआ उस मीटिंग में। राहुल गांधी गुस्से में थे और थोड़े से खुश भी नजर आ रहे थे। खुश होने का कारण ये था कि पार्टी का वोट बैंक जो है हरियाणा में बड़ा है और पांच सीटें पार्टी की झोली में आई हैं। दो सीटें और आ सकती थी अगर वहां पर भीतरघात ना होती, लेकिन सात सीटों की बात की जाए लेकिन पांच सीटें कांग्रेस के पाले में आई। और कर राहुल गांधी ने शैलजा गुट और हुडा गुट को ये नसीहत दी है कि गुटबाजी हरियाणा में ख़त्म करें, किसी भी कीमत पर गुटबाजी जो है नहीं सहन की जाएगी। ये आदेश जो है साफ तौर पर राहुल गांधी ने दिए हैं। और साथ में राहुल गांधी ने एक बड़ी बात जो इस मीटिंग में कही है उसके बारे में भी चर्चा कर लें। बड़ी बात उन्होंने ये की है कि इशारा किया है उन नेताओं को जो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, जैसे कि किरण चौधरी जो है अभी पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए हैं। ऐसे नेताओं को उन्होंने नसीहत दी है कि पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए उनके लिए बंद है, आप दोबारा भी आएँ तो उनको पार्टी में नहीं लेना। और भी जितने भी नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं उनके लिए भी खास हिदायत दी हैं कि उनके लिए दरवाजे जो हैं बंद हो गए हैं। और ख़ास तौर पर एक बात उन्होंने उन नेताओं को समझाने की कोशिश की है कि गुटबाजी के सहारे आप अगर जो पार्टी के ऊपर दबाव बनाना चाह रहे हैं, ये बात सुना ध्यान से, कि दबाव बनाना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी पार्टी अपने रास्ते जो है बंद कर सकती है, यानी कि दरवाजे अपने जो है बंद कर सकती है। इशारा दिया है हरियाणा के नेताओं को, क्योंकि बार बार दबाव बनाने की जो है बात की जा रही है। और इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक और बड़ी बात ये कही है कि अगर आप सही ढंग से काम करना चाहते हैं तो पार्टी में रह सकते हैं। ये कई बड़ी बातें जो हैं राहुल गांधी ने कही है, तो इसको लेकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी इस समय उग्र हैं और उनके तेवर जो है इस समय कड़े लग रहे हैं, क्योंकि विपक्ष यानी कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन जो है पूरे देश में बढ़िया रहा है। और इसके चलते जो है राहुल गांधी इस समय चाह रहे हैं कि जहाँ जहाँ जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ पर उनकी सरकार जो है आए। और बड़ी बात यह है कि हरियाणा में पाँच अहम मुद्दे हैं जो अब पब्लिक के बीच में कांग्रेस लेकर जा रही है। इन पांच मुद्दों के ऊपर जो है वो भी चर्चा हुई है, और मुद्दे क्या हैं वो भी आपको बता दें। सबसे पहला मुद्दा जो है बेरोजगारी का जो मुद्दा है, ये राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा के नेताओं को ये कहा है कि ये बेरोजगारी का मुद्दा आप पब्लिक के बीच में लेकर जाएँ और जो रोजगार देने की बात बीजेपी पार्टी कह रही थी इस पर जो है लोगों को समझाएं कि वो रोजगार जो बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था वो रोजगार कहाँ है। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है, पहलवान बेटियों के ऊपर अत्याचार जो किए गए थे, आप लोगों को पता हुआ जो प्रदर्शन हुए थे उसमें बेटियों के साथ जो अत्याचार हुए, जैसा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि इसको भी लेकर विस्तार से जो है चर्चा करें, लोगों के बीच में जाए, लोगों को बताएं कि बीजेपी पार्टी ने सत्ता में होते हुए क्या क्या उनके साथ किया। और अगला मुद्दा आपको बता दें, अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस मुखर हो रही थी, इसको लेकर भी पार्टी ये कह रही है कि आप जाएं लोगों के बीच में और हरियाणा के लोगों को बताएं कि अग्निवीर योजना जो है क्या है और अग्निवीर योजना से कितना नुकसान जो है हरियाणा के युवाओं को होने वाला है और राज्य सरकार की नाकामियों को बताने की वो भी है कोशिश करें। चौथे मुद्दे पर उन्होंने ये बात जरूर रखी है कि राज्य सरकार की जितनी भी नाकामियाँ हैं उनको जनता के बीच में दिखाएं कि 10 सालों में जो वायदे सरकार ने किए थे उन वायदों का क्या हुआ, वायदे जो हैं वो पूरे क्यों नहीं हुए। और बड़ी बात किसानों के मुद्दों पर भी जो है इस मीटिंग में चर्चा हुई है। MSP पर कानूनी निर्णय यानी कि कानूनी जो गारंटी है उसके ऊपर भी चर्चा हुई है और इसको लेकर जो है किसानों के साथ मिलकर वो चर्चा करें कि हरियाणा में उन्होंने सरकार बनानी है तो इस मुद्दे को कैसे उछाला जाए। इन पांच मुद्दों को लेकर जो है पार्टी अब हरियाणा में जाएंगी। और अब बड़ी बात यह है कि 70 सीटें जीतने का दावा
कांग्रेस कर रही है, 70-75 पार की बात बीजेपी कर रही थी, अब 70 सीटें जीतने का दावा जो है कांग्रेस कर रही है, क्योंकि पार्टी का ये कहना है कि 47% जो वोट बैंक आया है, शेयर जो बढ़ा है, तो उसके हिसाब से अब पार्टी की सरकार आना जो है वो तय मान रहे हैं कांग्रेस के नेता, और कांग्रेस के नेता खुश भी नजर आ रहे हैं कि इस बार जो उनकी सरकार बनने जा रही है। और बड़ी बात अब ये भी उस पार्टी में जो उस मीटिंग में चर्चा हुई है कि पार्टी के जो भी नेता हैं, कोई सा भी गुट है हरियाणा में, वो मीडिया के सामने कोई भी बयानबाजी नहीं करेगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि कुमारी शैलजा अब खुलकर मुखर हो रही है। हालांकि हुड्डा गुट जो है वो ये बात नहीं कर रहा है कि शैलजा या एसआर के ग्रुप, लेकिन कुमारी शैलजा जो है वो खुलकर हुड्डा की खिलाफत करती हुई नजर आती है। कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा, और ये बात उन्होंने ये भी बात की है कि मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है, यानी कि खुल के जो है कुमारी शैलजा चुनाव जीतने के बाद अब पार्टी के बारे में या पार्टी के नेताओं के बारे में खुलकर जो है बातचीत करती हुई नजर आती है। तो इस पर जो चर्चा को विराम करने की बात जो है राहुल गांधी ने कही है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अब जो टिकट जिसको मिलेगी उसको लेकर भी चर्चा ये है कि अब प्राइवेट एजेंसियों से जो है सर्वे करवाया जाएगा, उनका आंतरिक सर्वे होगा प्राइवेट एजेंसियों की तरफ से, और एक सर्वे जो है उनका पार्टी की तरफ से होगा कि कौन सा नेता जो है चुनाव जीत सकता है। और ये सर्वे आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने शुरू भी कर दिया है अंदर खाते, और उन नेताओं की नब्ज टटोलने की जो बात है, पब्लिक की नब्ज टटोलने की बात है, हो सकता है कि जहाँ से मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ, पानीपत से तैयार कर रहा हूँ, यहाँ के नेताओं को भी खोजबीन जो है शुरू हो गई है, उनकी टिकटें जिन जिन को टिकटें देनी है उनका सर्वे जो है आंतरिक सर्वे वो भी शुरू हो गया है। तो ये एक बड़ी बात है कि अब पार्टी जो है बड़े सोच समझ के टिकट देने वाली है, जो सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट होगा पार्टी सिर्फ उन्हीं को ही टिकट देंगी। और ये बड़ी बात नहीं है कि शैलजा या रणदीप सुरजेवाला या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी जब टिकट वितरण होगा तो उनसे भी सलाह मशवरा जरूर किया जाएगा कि किस नेता को जो है टिकट दी जाएगी। और बड़ी बात ये एक और बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने स्पष्ट एक बार फिर से बता दें कि ये बात जरूर की है कि पूरे समय में जो पार्टी को छोड़कर चले गए, जब पार्टी बुरे समय से बुरे दौर से गुजर रही थी, उस समय कांग्रेसी नेता जो हैं पार्टी छोड़ छोड़ कर जा रहे थे, उनके लिए राहुल गांधी ने बिल्कुल दरवाजे बंद कर दिया है कि और साफ संदेश दिया है कि उनको किसी भी सूरत पर पार्टी में नहीं लेना। ये कई चर्चाएँ जो हैं इसमें हुई है, इस जो मीटिंग में हुई है। और बड़ी बात अभी लोकसभा चुनाव में जो भीतरघात करने की जो बात हुई थी, नेताओं ने अपने ही नेताओं को वोट नहीं दिया, वोट नहीं दिलाने की अपील भी की अंदर खाते, उस पर भी जो है पार्टी नज़र बनाए हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अब कांग्रेस पूरे एक्शन में है, और बीजेपी साथ में बीजेपी जो है चुनाव खत्म होते ही दूसरे चुनाव के लिए तैयार हो जाती है, और बीजेपी भी इस समय फुल एक्शन में है। खुद अमित शाह ने जो है हरियाणा की कमान संभाल ली है, दिल्ली में कल मीटिंग हुई और अब दूसरी मीटिंग हरियाणा में होने जा रही है, 29 जून को मीटिंग होने जा रही है, और कहां कहां कमी लोकसभा चुनाव में रहेगी और उसी जगह पे पार्टी फोकस करने के लिए तैयार खड़ी है। और अमित शाह इस पूरे चुनावी माहौल को देखने के लिए हरियाणा में आ रहे हैं, और अब जो है दोनों पार्टियां तैयार हो रही है, तीसरी पार्टी का अभी दूर दूर तक पता नहीं है कि वो किस तरह की तैयारियां जो है उस तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन दोनों पार्टियां जो है इंडिया गठबंधन कांग्रेस जो कांग्रेस इंडिया गठबंधन और साथ में बीजेपी है, दोनों पार्टियां जो है तैयार खड़ी हैं। अब देखना होगा कि हरियाणा में कौन सी पार्टी जो है बाजी मारेगी। आपकी इस वीडियो को लेकर जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नमस्कार।